हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। आज मैं बताऊंगा दोस्तों, और इस तरह का क्वेश्चन ढेर सारा क्वेश्चन बन सकता है, केवल आपको दिमाग लगाना है दोस्तों। मान के चलिए दोस्तों कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि देखिए, 9 बराबर 90, 8 बराबर 72, 7 बराबर 56, 6 बराबर 42, तो 3 के बराबर क्या होगा। यहाँ पर हमको जो है सो भरना होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, और इसमें आपको दिमाग लगाना है कि जैसे हमको देखिए यहां पे 3 के बराबर यहां पे हम क्या देंगे दोस्तों। आपको जो है सो दिमाग लगाना है। देखिए ढेर सारा क्वेश्चन रहेगा, आपको दिमाग लगाना है कि आप क्या भरोगे। जैसे मैं देखिए यहां हम दिमाग लगाएंगे दोस्तों कि 9 के बराबर 90 कैसे आया, 8 के बराबर 72 कैसे आया, 7 के बराबर 56 कैसे आया। जिस प्रकार आया होगा उसी प्रकार 3 के बराबर यहाँ पे हम भी क्या कर देंगे, लिख देंगे दोस्तों। याद रखिए कि ऐसा क्वेश्चन आपको ढेर सारा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो जैसे देखिए 9 के बराबर 90 है, तो हम दिमाग लगाएंगे दोस्तों कि 9 के बराबर 90, तो 9 से ऊपर 1 10, 10 9 में कितना 90। देखिए तो यहाँ पे 8 के बराबर 72 है, तो जैसे 9 के बराबर 90 है तो 9 के ऊपर में 10, तो 10 9 में 90। यहाँ पे 8 के बराबर 72 कैसे आया, तो 8 के ऊपर क्या है, 9 है, तो 9 8 72। इसके बाद देखिए दोस्तों 7 बराबर 56, तो 7 के ऊपर 7 के बाद क्या है, 8 है, तो 8 7 56। सेम आपको यहाँ भी कर देना है। जैसे हम देखिए 10 9 में 90, 8 9 में 72, 7 के बाद 8, तो 8 7 56, 6 के बाद 7, तो 6 7 42, तो 3 के बाद क्या होता है, 4 होता है, तो 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था दोस्तों, और इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता रहता है। आप याद रखिए कि इस तरह का क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन जो है सो आ सकता है, केवल आपको दिमाग लगाना है कि किस प्रकार मैं दिमाग लगाया। जैसे देखिए बहुत ईजी था दोस्तों, इतना बराबर क्या होगा हमको भरना था। जैसे 9 बराबर 90 था, तो हम दिमाग लगाए कि 9 के बाद 10 आता है, तो 10 9 में 90 हो गया। 8 बराबर 72 था, तो 8 के बाद 9 आता है, तो 9 8 72। तो सेम ये इसी प्रकार टोटल था यहाँ पे, उसके बाद वाला अंक से गुना था, तो सेम यहाँ भी हम 3 के बाद क्या आता है, 4, तो 4 3 12 कर दिए। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। तो यही छोटा सा छोटा टॉपिक में कभी कभी स्टूडेंट को क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा, आई मीन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पढ़ाई संबंधी रोज अच्छा अच्छा वीडियो प्राप्त होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।